रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ वीडियो टू हंड्रेड सो आई एम हेयर टू टॉक अबाउट इंटीमेट वॉश विच इज अंडर टू हंड्रेड बहुत लोग मेरे व्यूअर्स हैं जो एटीन टू ट्वेंटी फाइव ब्रैकेट में आते हैं जो लोगों ने अभी कॉलेज जाना शुरू किया है जो लोगों ने अभी नौकरी में दे हैव गॉट दे फर्स्ट जॉब तो पैसों के प्रॉब्लम की वजह से इंटीमेट वॉश पे खर्च करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज एक इंटीमेट वॉश मार्केट में अगर आप ब्रांडेड लेने जाओगे तो 500 300 तीन साढ़े तीन के आसपास आएगा सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट टू इंटीमेट वॉश मैं पांच छह इंटीमेट वॉश आपको नहीं दूंगा ऑप्शन दो इंटीमेट वॉशेज मैं आपको बताऊंगा जो 200 से प्राइस के नीचे हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है मैंने बहुत ज्यादा इंटीमेट वॉशेज यूज किए हैं बट ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे हैं तो प्लीज अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को एक लाइक like तो जरूर दे सकते हैं तो दो जो इंटीमेट वॉश मुझे अच्छा लगा है वो है ये सबसे पहले दिस इज ऑफ ट्रू इंटीमेट वॉश दिस इज अ फोम

ये वाले के बारे में बात करूंगा ये इंटीमेट वॉश देखिए 175 में 150 फिफ्टी एम विथ सो हार्डी बॉक्स आई हैव नॉट सीन बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है ये देखिए ये एक ऐसे पंप है इसमें बहुत ही स्टर्डी पैकेजिंग है फिल ऑफ नहीं करेगा और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा है इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड टी ट्री ऑयल जो आपके प्राइवेट पार्ट्स के सोरनेस को दाग धब्बे को कम करता है कोई फंगल इंफेक्शन हो गया है उसको खत्म कर देता है ओडर को खत्म करता है तो बहुत अच्छा एक इंटीमेट वॉश अगर आपको लेना है विदिन टू तो ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है इसका जो कंसिस्टेंसी है वो फोम है मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं ये देखिए फोम है अब जब इसको आप लगाइएगा ये देखिए अब इसको लगाइएगा तो ये ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा ये देखिए और इसको कब तक लगाना है तीस से साठ सेकेंड थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड आप अपने इंटीमेट एरिया पे ऐसे लगा के छोड़ दीजिए और फिर इसको पानी से धो लीजिए इंटीमेट वॉश जो लोग अब पहली बार देख रहे हैं इंटीमेट वॉश क्यों यूज करना चाहिए गाइज देखिए ये एक सोप फ्री इंटीमेट वॉश है जब आप सोप लगाते हैं अपने इंटीमेट एरिया पे, तो ये जो इंटीमेट एरिया का जो पीएच बैलेंस है वो बिगड़ जाता है बिकॉज सोप हार्श होता है तो बिगड़ने की वजह से इंटीमेट एरिया काला पड़ता है इंटीमेट एरिया पे रैशेस हो सकती हैं और इंटीमेट एरिया में इचिंग हो सकती है तो इसीलिए अगर आप इंटीमेट वॉश यूज़ करते हैं तो पीएच बैलेंस जो आपका प्राइवेट एरिया का है वो मेंटेन रहेगा ओडर नहीं आएगा और आपको जो इचिंग होती है वो भी नहीं होगा और स्मेल भी अच्छा करेगा सो so, बहुत फायदे हैं इंटीमेट वॉश के तो so, अगर आपको फोम बेस लेना है तो आप ये वाला ले सकते हैं बहुत ही मेडिसिनल सा स्मेल है इसका और ये बहुत अफोर्डेबल है सो so, अब नेक्स्ट जो इंटीमेट वॉश है वो है फ्लाइंग बीस्ट का जेल बेस्ड इंटीमेट वॉश ये हंड्रेड एम का है और आपको मैंने रेट बताया इसका पहले ये जो पैकेजिंग है इट इज ओके पैकेजिंग नॉट लाइक डर्मा एसेंशियल का बट द पैकेजिंग इज ओके टाइप्स और इसका कंसिस्टेंसी देखिए ये देखिए ये एक जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी है ये भी बहुत अच्छे से ऐसे करके आप अपने रब कर लीजिए और इसको भी 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स छोड़ दीजिए और इसको वॉश ऑफ कर लीजिए प्लीज रिमेंबर जब भी आप इसको यूज करें इंटीमेट एरिया को थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए शावर चला के या मग से पानी डाल के आप थोड़ा सा इंटीमेट एरिया को वेट कर लीजिए और फिर इसको लगाइए प्लीज रिमेंबर इसको रोज लगाना है जब भी आप नहाने जाएं सोप पूरे बॉडी में लगाइए या बॉडी वॉश पूरे बॉडी में लगाइए बट इंटीमेट एरिया में ये वाला लगाइए आप इसको एक हफ्ता ट्राई करके देखिए आपको ज़रूर फायदा होगा इसमें गाइस कोई सिलिकॉन कोई पैराबिन नहीं है और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स मैंने दिखाएं वो मेड इन इंडिया है और कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है इसमें कैलेंडुला है इसमें एलोवेरा है इसमें हेजल है इसमें भी ट्री ट्री ऑयल है दोनों ही मेरे फेवरेट हैं दोनों ही मुझे बहुत अच्छा लगा आई थॉट कि एक फोम भी दिखा दूं जिनको थोड़ा सा मैस्कुलिन पसंद है बिकॉज यू नो इम एसेंशियल्स में ऐसे लिखा भी है फ्रेश एंड क्लीन बॉल्स फॉर दो फॉर द रास्कल्स आउट देयर यू नीड दिस बिलो योर बेल्ट सो थोड़ा सा मैनिंग लगता है और हम फोम शेव के लिए यूज़ करते हैं तो जब हम इंटीमेट एरिया के लिए यूज करेंगे तो मैस्कुलिन सा लगेगा इसीलिए शायद इन लोगों ने ऐसे एक पैकेजिंग में निकाला है यू कैन ट्राई इट ये भी बहुत अच्छा है मैंने इसको भी ट्राई किया है इसका भी बहुत ज़रा यू नो सूदिंग सा स्मेल है किसी का भी कोई पंजेंट सा स्मेल नहीं है केमिकल सा स्मेल नहीं है बहुत ही सूदिंग सा स्मेल है दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं प्लीज डू ट्राई इट गाइज द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू मेक ऑन इंटीमेट वॉश अंडर रुपीज फोर सो जो लोग ट्वेंटी फाइव के अबव हैं जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना अमाउंट अपने इंटीमेट वॉश के वो लोग प्लीज़ वो मेरा वीडियो ज़रूर देखें और ये दोनों ऑप्शन ज़रूर ट्राई करके देखिए आप लोग अगर आप लोग के कोई क्वेरी है तो टू आस्क मी अगर आप कोई और इंटीमेट वॉश का रिव्यू चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए मैं उसको यूज़ करके देखूंगा एंड आई विल रिव्यू इट और इसको जब जब आप ख़रीदें तो फीडबैक अपना ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए बिकॉज आपके फीडबैक से हम ग्रो करते हैं आपके फीडबैक से मुझे पता चलता है कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए काम करता है और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए नहीं काम कर रहा है सो इट विल हेल्प मी टू मेक गुड for फॉर यू So सो thank थैंक यू सो मच फॉर my video वीडियो टेन See सी in my नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू my चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब